वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। सीएम योगी आदित्यनाथ का चाबुक अपराधियों और माफियाओं पर रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूपी पुलिस इसी तहत लगातार तगड़ा एक्शन उन अपराधियों पर ले रही है जो अभी तक आम आदमियों को परेशान करना और सरकारी संपत्ति को हड़प कर उसका दुरुपयोग कर रहे थे, अपने गुंडई से आम जनता को परेशान कर रहे थे। उन सभी पर अब यूपी पुलिस लगातार ताबड़तोड़ एक्शन बिना रुके ले रही है। बड़े से बड़ा कोई भी अपराधी यूपी पुलिस के चंगुल से नहीं बच पा रहा। अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, कोई भी यूपी पुलिस के डंडे से नहीं बच पा रहा। अतीक अहमद के गुर्गे को अब यूपी पुलिस ने दबोच लिया है। जी हाँ, हमजा अंसारी को सीबीआई ने प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। अतीक अहमद के गुर्गे और देवरिया जेल कांड में व्यापारी मोहित जायसवाल को अगवा कर पिटाई करने के मामले में वंचित चल रहे हमजा अंसारी को अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी और बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बिजनेस पार्टनर मोहित जायसवाल को 26 दिसंबर 2018 को लखनऊ से अगवा किया गया था। अतीक अहमद के गुर्गे मोहित जायसवाल को देवरिया जेल ले गए थे, जहां पर अतीक अहमद पहले से बंद था। जेल में ही अतीक अहमद ने मोहित जायसवाल की जमकर पिटाई की और उसकी दो कंपनियों को अपने गुर्गे के नाम लिखवा लिया था। इस घटना के बाद 28 दिसंबर 2018 को पीड़ित कारोबारी मोहित जायसवाल ने लखनऊ में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके दो दिन बाद ही पूर्व सांसद अतीक अहमद को देवरिया जेल से बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। अब कारोबारी मोहित जायसवाल के अपहरण और देवरिया जेल में ले जाकर पिटाई करने के मामले में अतीक अहमद के इस गुर्गे हमजा अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस मामले में अतीक अहमद का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर भी आरोपी है और उसे तो पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़।